लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लेंस। लेंस किसको बोलते हैं, लेंस बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, लेंस के कौन से टाइप्स होते हैं, और यहाँ पे कुछ डायग्राम्स मैंने ड्रॉ किए हैं। ये अगर पार्ट अगर आपको अच्छे से समझ गया तो आगे जो डेरिवेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपको बहुत आसान जाने वाला है। सबसे पहले देखते हैं कि लेंस किसको बोलना चाहिए। देखो, अ पोर्शन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाई टू स्फेरिकल सर्फेसेस और वन स्फेरिकल एंड अदर प्लेन सर्फेस, इसको हम लोग बोलते हैं लेंस। मान लो मेरे पास ऐसा कोई सरफेस है, देखो ये एक मीडियम, अलग मीडियम है, सराउंडिंग में आपके पास एयर है, वैक्यूम में कुछ भी हो सकता है। मान लो मेरे पास एक दूसरा समथिंग ऐसा है ना, तो मान लो ये दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम है। अगर ये दोनों को कंबाइन करके सिर्फ इतना ही पोर्शन अगर आप कनेक्ट करते हो, मान लो इसको आपने यहाँ से ब्रेक किया और इसको यहाँ से ब्रेक किया, कनेक्ट कर दिया, हाँ, तो वो स्पेसिफिक केस में आपको जो भी मिल रहा है वो लेंस कंसिडर किया जाता है। तो कंटिन्यूस मटेरियल यूज करके अगर ऐसा कुछ पोर्शन अगर आप बना रहे हो तो उसको हम लोग बोलेंगे लेंस। अभी यहाँ पे देखते हैं लेंस के दो टाइप्स होते हैं और वो दो टाइप्स में भी तीन सब टाइप्स आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस इसे बोला जाता है। कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर इसके ऊपर अगर आप कुछ लाइट ऑफ रेज को इंसिडेंट करवाओगे तो कोई तो एक पॉइंट पे आके वो कन्वर्ज हो जाएंगे, दैट्स व्हाई दोज रेज आर कॉल्ड एज कन्वर्जिंग रेज। और ये जो लेंस का टाइप होगा उसको कन्वर्जिंग लेंस ऐसा बोला जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, ये एक लेंस है मेरे पास, है ना, तो यहाँ पे अंदर आपके पास कुछ ना कुछ मटेरियल होगा, ग्लास होगा या कुछ भी होगा। तो ये होता है डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस, देखो ऐसा कॉन्वेक्स सर्फेस है, ये एक कॉन्वेक्स सर्फेस है, तो दो कॉन्वेक्स सर्फेस है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द डबल कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे देखो एक प्लेन सर्फेस है और दूसरा है कर्व सर्फेस, सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो अंदर भी मटेरियल होगा कुछ, तो ग्लास वगैरह होगा या वट एवर जो भी आपको यूज करना है आप कर सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पे एक मेरे पास ऐसा है कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स है, तो अगर ऐसा कुछ है तो इसको बोलते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। देखो जो पहला सर्फेस होता है ना वो आपको प्लेनो पहले लिखना होता है, उसके बाद कॉन्वेक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉनकेव और उसके बाद क्या आएगा कॉन्वेक्स लेंस, समझ रहे हो। तो अंदर भी क्या होगा, मटेरियल होगा, मीडियम होगा, जो भी होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। सो यहाँ पे आपके पास अगर दो सर्फेसेस ऐसे ही है और उसको यूटिलाइज करके अगर आप ऐसा कुछ एक कंबाइन सर्फेस बना सकते हो, देखो ना इसको कट करो उल्टा रख सकते हो, इसको कट करो उल्टा करो, और उसके अंदर अगर आप समथिंग लाइक दिस ऐसा अगर मटेरियल फिल कर देते हो, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसे फॉर्मेट में, क्योंकि आगे जाके जो डेरिवेशंस पढ़ने हैं ना वो यही फॉर्मेट में पढ़ने हैं आपको, ठीक है ना। तो देखो ना अगर मेरे पास ऐसा कुछ सर्फेस है और अगर मेरे पास ऐसा कुछ सर्फेस है ना, दोनों को अगर कट कर रहे हो और कंबाइन कर रहे हो तो इफेक्ट आपको ऐसा कुछ मिल सकता है। तो दैट्स वाई ये आपने कॉन्वेक्स के लिए किया, कॉनकेव के लिए आप ऐसा कर सकते हो। तो अगर आपके पास ऐसा एक कंटिन्यूस मीडियम है समथिंग लाइक दिस, तो इसको आप बोलेंगे डबल कॉनकेव। तो डबल कॉनकेव, डबल कॉनकेव ये होगा आपका, एक जगह पे प्लेन है दूसरे जगह पे कॉनकेव है, तो प्लेनो कॉनकेव लेंस, अंदर सर्टनली कुछ ना कुछ मटेरियल होगा, मीडियम होगा, और यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ तो है, एक कॉन्वेक्स है और दूसरा कॉनकेव है, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। तो ये सबसे पहले पहला सर्फेस लेना होता है और उसके बाद दूसरा सर्फेस लेना होता है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। ये खत्म होने के बाद नेक्स्ट देखते हैं रे डायग्राम्स। सो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस के लिए मेरे पास है, मान लो ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट अगर मेरा इन्फिनिटी पे है तो वहां से अगर रेज बहुत सारे आ रहे हैं तो पहले पॉइंट पे गिरने के बाद एक बार रिफ्रैक्ट होंगे और दूसरे पॉइंट पे गिरने के बाद और एक बार रिफ्रैक्ट होंगे और फाइनल जहां पे वो आएंगे दैट इज अ पॉइंट एफ। तो ये पॉइंट पे आके रुकते नहीं है, वो आगे भी मूव करते हैं। एनीवेज, सो इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल द पॉइंट्स, पी होगा सेंटर। सो यहां से यहां तक जो पॉइंट पे सारे रेज मिल रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे फोकस। सो कॉन्वेक्स लेंस के लिए एफ की वैल्यू पॉजिटिव होती है, देखो ना यहां से यहां तक जो भी रेज अगर आप डिस्टेंसेस काउंट कर रहे हो तो उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस मेरे पास है, पैरेलल रेज आए ये पॉइंट पे गिरने के बाद अवे जाएंगे नॉर्मल से और उसके बाद ये पॉइंट पे गिरने के बाद अगेन ये दूर जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट से अगर आप डॉटेड लाइन पीछे खींचते हो तो आपको पता चलेगा ये सारे रेज एक पॉइंट पे मिल रहे हैं और वो जो पॉइंट है इसको ही हम लोग बोल रहे हैं फोकस, है कि नहीं। तो ये बन गया मेरा कॉन्वेक्स लेंस का बेसिक डायग्राम। यहाँ पे फोकस जो होता है वो नेगेटिव होता है और ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, अभी हमने लेंसेज का बेसिक पार्ट डिस्कस किया।